चलिए नमस्कार आदाब सलाम, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथड सारण में। थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। आज करने वाले हैं एमडी क्लासेस वाले का, यानी सत्यम गुप्ता सर का जो गोल्डन ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आया है, इसका मैथ का सेट नंबर 9 करने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 8 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है एमडी क्लासेस ग्रुप डी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, और जीके जीएस में मैथ के जगह सिर्फ जीके प्लस जीएस के नाम से प्लेलिस्ट है। तो आप जाके देख सकते हैं, 8 मैथ का और 8 जीके जीएस का हो चुका है। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि मैं गाँव देहात में रहने वाला लड़का हूँ और कभी कभी क्या होता है, वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो वो वीडियो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने इस भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ इंडिया के टॉप एडुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लाया है एक बहुत बड़ा ऑफर अनअकैडमी गोल के नाम से। जो इसके साथ अनअकैडमी क्या दे रहा है आपको, अनलॉक 20 प्रक्रिया। अनलॉक 20 प्रक्रिया में आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर कब तक है, ये ऑफर सिर्फ 28 अप्रैल तक है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। हमारा रेफरल कोड सारण 10 यूज़ कीजिए, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारा आइकॉनिक फीचर भी मिलने वाला है, चाहे आप लाइव क्लास हो, डाउट सेशन हो, 24/7 आस्क डाउट हो, आपको लाइव क्लास में डाउट भी पूछ सकते हैं, और बहुत सारा PDF भी मिलने वाला है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, अनअकैडमी एक और ऑफर लेके आया है जो कि लर्निंग फेस्टिवल के नाम से है। जी हाँ, लर्निंग फेस्टिवल के नाम से है, और ये ऑफर बहुत बड़ा ऑफर है। मात्र आपको 299 रुपया में 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। अगर आप IIT JEE, NEET UG या क्लास 8 से 12 तक का छात्र हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन आपको 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक वैलिड है। इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ हमारा रेफरल कोड सारण 10 को इस्तेमाल करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ भी आपको बहुत सारा आइकॉनिक फीचर मिलने वाला है, लाइव क्लास विद टॉप एडुकेटर, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, इसके साथ गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन करते हैं, इसके साथ पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग भी है। तो देर किस बात का, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 20% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो चलिए लेट्स क्रैक इट। ये आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोलता हूँ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 29-15-, मिडिल कोस्ट 10-, स्मॉल कोस्ट 5-8 भागा में 2, स्मॉल ब्रैकेट 1, मिडिल ब्रैकेट 1। अब बात को समझिएगा, बॉडमास का नियम क्या कहता है। सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, उसमें सबसे पहला काम भाग के करना है, यहाँ कर दीजिए 2 चौके 8, 2 से 8 को कट जाएगा, 4 में यहाँ क्या हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ आपका क्या हो गया 10-1, ये क्या हो जाएगा 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 15-9, 15 में से 9 हो जाएगा क्या हो जाएगा 6, यानी कि 29-6 यानी इसका मान क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि 23 जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसलिए मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, और लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा एक एनर्जेटिक मूड में मैं भी जाऊँगी, नहीं आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, आपको पसंद आता है आप लोग लाइक करते हैं, तो लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि यदि टैंक 2/5 भरा है तो इसमें 1500 लीटर पानी आता है,
तो पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि टंक 1/3 भरा हो, यानी कि 2/5 भरा है तो इसमें कितना लीटर पानी है, 1500 लीटर पानी है। अगर ये पूरा भरा होता तो इसमें कितना लीटर पानी होता, 2 से कट जाएगा 750 में, और ये आके इधर गुना हो जाएगा, यानी कि 1:1 बराबर हो जाता 750 × 5। अब कह रहा है यही टैंक अगर 1/3 भरा होता तो बस 1/3 से यहाँ भाग दे दीजिए, 3 से कट जाएगा 250 बार में, और 250 कितना हो जाएगा, 1250। यानी कि अगर 1/3 भरा होगा तो उसमें 1250 लीटर पानी होगा, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। प्रश्न दिया गया है कि 41% का 600 - 200 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क, माइनस 72% का 800, ये क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। 41% का मतलब क्या हो जाएगा जी, 41/100 का मतलब गुना 600 - 200। इस क्वेश्चन मार्क को हम x ले लेते हैं, x यानी कि 72% यानी कि 72/100 × 800, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया, 6 + 6 = 24, 246 - 200 बराबर x - 8 × 16 के 6 हाथ में 1, 8 × 7 = 56 और 1 = 57 576। 246 में से 200 जाएगा 46 बराबर x - 576, 576 रिजर्व आ गया, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 576 + 46, जोड़ लीजिए 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 7 1 8, 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 622 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोमल की ऊंचाई अर्जुन की ऊंचाई से 45% अधिक है। अगर हमने कहा कि अर्जुन का ऊंचाई को हमने मान लिया 100%, तो कोमल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, इससे 45% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 145। अब हमसे प्रश्न कह रहा है तो अर्जुन की ऊंचाई कोमल से कितने प्रतिशत कम है, अर्जुन की ऊंचाई कम कितना है, देखिए यहाँ यानी कि 45% कम है किसके रेस्पेक्ट में, तो 145 के, तो 100% में कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए ना, 5 × 2 = 10, 5 × 45 = 29, 5 × 45 यानी कि 900/29 यानी कि 31 × 1/29 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 31 × 1/29 यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, यदि 9 को संख्या में जोड़ा जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में, यानी ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को ना ऑप्शन से कीजिए, ऑप्शन ए कितना दिया है 46, ये तो होगा नहीं, 6 4 10 हो जा रहा है, ऑप्शन बी देखिए 2 3 ये पॉसिबल है, ऑप्शन सी देखिए 5 0 ये भी पॉसिबल है, ऑप्शन डी 40 ये भी कब। अब देखिए दोनों संख्याओं का जो 5 है, ऑप्शन बी और सी में, अगर इसमें 9 जोड़ दिया जाता है तो इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 59, ये इसका अंक जो है आपस में नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन 23 में जैसे ही 9 जोड़ेंगे ये आपका 32 हो जा रहा है, यानी कि इसका अंक परिवर्तन हो जा रहा है। बात को समझिएगा, इकाई की संख्या दहाई की संख्या पे आ जाएगी, दहाई की इकाई पे आ जाएगा, यहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं वो संख्या क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आप कभी भी ऑप्शन से कीजिएगा, इजीली कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि वुडलैंड के जूते का अंकित मूल्य 1200 रुपया है तो 10% की 2 क्रमिक छूट दिए जाने के बाद जूते का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 10% की 2 अगर क्रमिक छूट दी जाती है तो 10% का मतलब क्या होता है कि 10/100 यानी कि 1/10, 1/10 रुपये के सामान को 9 रुपये छूट दीजिएगा, फिर 1/10 रुपये के सामान को 9 रुपये, 2 क्रमिक छूट, 10 × 10 = 99, यहाँ पर कितना परसेंट का छूट आपको मिला, तो 19% का। बात को समझिएगा, अब देखिए जब हमको यहाँ 19% का डिस्काउंट मिल गया, अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे, यही 100 जो दिया है ये 1200 रुपये के बराबर है,
यानी कि ये 12 गुना है, तो बस इसको भी 12 गुना कर देंगे तो ये 800, ये 972 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 972 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 10% डिस्काउंट पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। या यहाँ अंतर हमारा 19% आ रहा है, यानी 1200 का 81% भी आप निकाल देंगे तो हमारा आंसर 972 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सात कहता है कि 4 पूर्णांक 2/5 प्लस 2 पूर्णांक 1/5 प्लस 3 पूर्णांक 3/4 माइनस एक्स का मान क्या है, 10। 4 5 20 4 5 20 22/5 प्लस 2 5 10 11/5 प्लस 3 6 12 12 15/4 माइनस एक्स। माइनस एक्स को हम उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है, और इस 10 को इधर लेके आते हैं, यानी कि ये माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। अब इसका ही वैल्यू 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए 5 5 20 22 88 5 5 20 11 6 44 4 5 20 15 5 75 माइनस का ये 20 10 200 बराबर एक्स। अब जोड़ दीजिए 8 4 12 12 5 17 के साथ, हाथ में 8 9 4 13 7 20 207 माइनस 200 बट्टे में 20 बराबर एक्स। तो 207 में से 200 जाएगा 7, यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा, 7/20। एक्स का मान हमारे पास 7/20 आ गया, तो ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ कहता है कि दिए गए आंकड़ों का क्रमशः माध और माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध और माध्यिका दिया गया संख्या क्या है, 21 21 22 24 25 25 18 और 26। माध और औसत बराबर होता है, माध बराबर वही होता है कि सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। तो माध क्या हो जाएगा, यहाँ माध हो जाएगा 21 22 24 25 25 18 26 बटा में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। 1 2 3 4 3 7 5 12 5 17 17 8 25 6 31 के एक हाथ में, 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 14 2 16 161 7। अब देखिए ये हो जाएगा 7 2 14 7 2 14 6 में से 7 3 1 कितना आ गया, 23 आ गया, यानी माध आपका 23 आ गया। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, दी गई संख्या को माने आरोही क्रम में सजाते हैं। क्या करेंगे, दी हुई संख्या को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। अब दी हुई दी गई संख्या को आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, 18 आएगा, उसके बाद 18 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 2 25 और 1 26। 1 2 3 4 5 6 7 जब संख्या 7 हो तो बीच वाली जो संख्या होता है वही आपका माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ माध्यिका क्या हो जाएगा, 24 यहाँ माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ तो माध हमारा 23 है और माध्यिका आपका 24 है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नौ कहता है कि संख्या 5 6 9 3 8 7 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। 9 का यहाँ स्थानीय मान कितना है जी, 51 2 1000 9000 है, और 9 का जातीय मान क्या होता है, 9 होता है, घटा दीजिए ना, 10 में से 9 हो गया 9, 10 में से 9 हो जाएगा 1, ये आपका 9 9 8, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8991, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दस कहता है कि 64 मीटर × 28 मीटर वाले एक कमरे के आयताकार फर्श को ढकने के लिए 8 डेसीमीटर वर्गाकार वाली कितने टाइलों की आवश्यकता है। देखिए अगर घर है, मान लीजिए आयताकार है, इसका लंबाई 64 चौड़ाई 28 है, इसका क्षेत्रफल यही होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई,
यानी कि ये क्या हो जाएगा 64 × 28 टोटल एरिया ये हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 8 डेसीमीटर वर्गाकार वाली कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, 8 डेसीमीटर, तो 8 डेसीमीटर को मीटर बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.8 × 0.8 हो जाएगा, बात समझिएगा, या 8 × 8 / 100 m² यही होगा। यानी अगर हम इसे 0.8 या हम इसे लिख सकते हैं 64 / 100 m², ठीक है। तो ये 64, ये 100 कहाँ जा चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे होगा, तो 64 से 64 कट जाएगा, यानी कि 2800 टाइलों को क्या होगा, उसको 2800 टाइल्स की जरूरत हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए और बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया जो कि कुल कार्य 30 दिनों में पूरा हो गया, तो ए अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा। देखिए अगर और की बात करें तो ए प्लस बी अगर इस काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने 15 दिनों तक साथ काम किया और बी ने कार्य छोड़ दिया, अब इन्होंने 15 दिन तक ए प्लस बी साथ काम किया, उसके बाद 15 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो काम कौन करेगा, ए 30 काम को 15 दिन यानी 30 - 15 कौन काम करेगा, ए काम करेगा, बात को समझिएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25A + 25B = 15A + 15B + 15A, बात को समझिएगा, 15A 15A 30A, 30 में से 25 से जाएगा क्या हो जाएगा 5A, 25 में से 15B जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 10B। अगर हम यहाँ से A / B देखें तो ये 2/A आ जाएगा, यानी कि A की एफिशिएंसी 2 होगा और B की एफिशिएंसी 1 होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो A अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता था, A जो है इस अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था, अगर हम देखें टोटल वर्क क्या आ जाएगा A + B यानी कि 25 × 2 + A यानी कि 75। अब 75 टोटल वर्क है, अगर ए जो है 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 75/2 यानी इस काम को 37.37 दिन में इस काम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राम 30 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से चावल खरीदता है, लेकिन 1 किलोग्राम के पैकेट में उसने 50 ग्राम अतिरिक्त लिया, वह अपने ग्राहकों के प्रति एहसान दिखाने के लिए वही चावल 25 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम देता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा। ये दुकानदार जो है बेईमान दुकानदार है, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के जगह वो कितना लेता है 1050 ग्राम लेता है, ठीक है, यानी कि 1000 के जगह वो 1050 ग्राम लेता है। तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1000/1050 × 30 रुपये प्रति लेता है, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा ये 200 बार में, 5 से कट जाएगा ये आपका 21 बार में, यानी कि 3 × 7 = 21 इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200/7 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब ये दुकानदार क्या कहता है 1000 ग्राम देने के जगह पे कितना आपको देता है तो 950 ग्राम देता है, यानी यहाँ पे भी चोरी करता है, कितना चोरी करता है, अगर दूसरा कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो ये 950 ग्राम / 100 किस रेट पर है 200/7, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 यानी 95 रुपया 7 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये जो बेईमान दुकानदार है इसने क्या किया कि 950 ग्राम वाला जो चावल था वो 25 रुपये किलो के भाव से बेच रहा है, जिसमें 950 ग्राम वो चावल 25 रुपये किलोग्राम में बेचता है, लेकिन 1 ग्राम 925 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। तो अगर हम देखें ये 95 90 × 18 = 190/7 रुपये। अब बात को समझिएगा, हानि क्या होता है, लॉस जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, आपने 25 रुपये में बेच रहा है, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 190 रुपया 7 पैसा है, तो 190/7
माइनस 25 सात एलसीएम हो जाएगा, 190 माइनस 25 25 सात कितना हो जाएगा आपका 175, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 15/7 रुपये। ये आपका हानि कितना हो गया 15/7 रुपये का हानि हो गया, ठीक है, हानि हो रहा। तो हमसे हानि परसेंटेज पूछ रहा है, हानि परसेंटेज अगर देखा जाए तो हानि परसेंटेज क्या हो जाएगा, 15/7 रुपये का हानि होता है किस पे, तो 190/7 रुपये पे, तो 100% पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15/7 गुना, ये ऊपर चला जाएगा 7 गुना 190 गुना 100, 7 से 7 कट गया, 10 से 10 कट गया, 15/150/19% का क्या हो जाएगा इस केस में हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अनुपात 17/24 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ना या घटाना चाहिए कि अनुपात 1:1 हो जाए। अनुपात क्या है 17/24, हमने कहा कि अगर मान लेते हैं इसमें हमने x जोड़ दिया तो ये अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। 17 × 34 प्लस 2x बराबर 24 प्लस एक्स, ये आएगा तो 10 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2x, यानी कि 10 बराबर क्या हो जाएगा माइनस x, यानी x इसमें से क्या करना चाहिए घटाना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर, क्योंकि माइनस करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दो व्यक्ति ए और बी कुछ धनराशि का निवेश 5% और 6% प्रतिवर्ष की दर से करते हैं, 2 वर्षों के बाद उन्हें 5:6 में साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 5:6 में साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 2 वर्षों में उनके ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपया है, तो 2 वर्षों के बाद ए और बी द्वारा 7 प्राप्त की गई धनराशि क्या हो जाएगी। 5:6 यानी 1:1 इन दोनों का अनुपात का 1:1 का रेशियो जो कि 200 के बराबर है। अगर हम ए का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5×10 यानी कि ए 1000 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 2×12 यानी कि 1200। अब देखिए ए पे 5% का निवेश, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, क्या है ए अनुपात बी का अनुपात क्या है 3:4, और बी और सी के आयु का अनुपात बी और सी का आयु का अनुपात कितना है 4:5 है। यदि तीनों का औसत यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का, बी का दोनों बी का क्या है 4 है यानी ए का 3:5 हो जाएगा, सी का 5:5 हो जाएगा। अब इसका औसत पूछा है, औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, अगर हम 3x कह दें इसे 4x कह दें इसे 5x कह दें तो बटा में क्या हो जाएगा 3 बराबर औसत दिया है 40, 40 × 120 4 × 3 = 7 × 5 = 12, 12x का वैल्यू अगर 120 है तो x का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, जब x का मान 10 हो जाएगा तो b की आयु पूछ रहा है, तो b का आयु क्या हो जाएगा 4 × 10 यानी कि 40 साल हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि दो संख्याओं का योग 250 है और छोटी संख्या बड़ी संख्या के 1/4 है तो बड़ी संख्या का दुगुना ज्ञात कीजिए। अगर हमने कहा कि बड़ी संख्या को अगर हम x मान लिए तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी इसका 1/4x हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं का जो कितना दिया है 250, यानी कि x प्लस 1/4 का वैल्यू दिया है 250, ये क्या हो जाएगा 5×4 का वैल्यू 250 है, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 25, तो x का वैल्यू हो जाएगा 200। जब x का वैल्यू 200 हो गया तो हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या का दुगुना ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या 2 है इसका दुगुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है एक ही लंबाई की दो ट्रेनें ए और बी 54 सेकेंड और 36 सेकेंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती हैं, यदि ट्रेन ए 64.8 सेकेंड में ट्रेन के समान दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को पार कर सकती है तो ट्रेन बी की गति क्या हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन बी की गति है, दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, ठीक है, अगर हमने इसके दूरी को ट्रेन की लंबाई को हमने मान लिया कि x मीटर है और इसके चाल को x किलोमीटर और y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मान लिया, ठीक है, दोनों का चाल अलग अलग है, तो एक ही लंबाई की दो ट्रेनें 300 मीटर लंबी है तो हम कहेंगे x प्लस 3, दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है
किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कितना हो जाएगा 5/18। समय इसका कितना लग रहा है, तो पहला में 54 सेकंड लग रहा है, तो 18 + 3 = 54, 5 + 3 = 15 इसको इक्वेशन एक मान लीजिए। दूसरा सेम लंबाई की ट्रेन है, अगर उसका चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18 करेंगे, और समय कितना ले रहा है तो 36 सेकंड, 18 × 36 = 10 y। इस समीकरण को हमने मान लिया 2। अब देखिए ये दोनों समान है तो ये क्या हो जाएगा, 15x बराबर क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। अगर हम इसे देखें तो y का मान क्या हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा, 1.5x। इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है यदि ट्रेन ये 64.8 सेकंड में ट्रेन के समान दिशा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को पार करती है, अगर x दूरी है, अगर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर पार करती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगर हम मान लें ये तो दूरी हो गया, दोनों को x से मान लिए, इसको x मान लिए, इसको भी x मान लिए, मामला गड़बड़ा गया। देखिए क्या करते हैं, इसे हम ए बी मान लेते हैं, इसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे हम बी किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो इक्वेशन हमारा यहाँ ए बी हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर 15, ए बराबर 10 बी होगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 है, तब मजा आएगा। अब एक्स दूरी है 25 किलोमीटर, यानी कि ए माइनस 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूरी किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड बदलने की 5/18 से गुणा करेंगे, समय कितना लग रहा है, 64.8 सेकंड लग रहा है। अब देखिए 64.8 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका 324 आ जाएगा, ये 18 कट जाएगा, यानी एक्स का मान यहाँ आ जाएगा 18a माइनस का 25 × 250 और 25 × 8 = 200, यानी 450। ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब इक्वेशन 4 आ गया तो क्या इक्वेशन कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम उसको पुट कर दें, जब x का मान हमारे पास इतना है तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x का मान पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18a माइनस 450 प्लस 300 बराबर 15a। अब देखिए यहाँ से ए का मान चला जाएगा, 15a को इधर लेके आएंगे तो 18 × 15 जाएगा, क्या हो जाएगा, 3a, और 450 है, 450 यानी ये हो जाएगा उधर जाएगा, तो 300 माइनस हो जाएगा, ये 150, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही का मान हमसे पूछ रहा है क्या, तो ट्रेन बी का पूछ रहा है, ट्रेन बी का, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 × a का चाल कितना है, 50, यानी कि हम इसे 15/10 लिख सकते हैं, 15×5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी का जो चाल होगा ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पूछ रहा है कि मान निकालना है 64² - 36² - 800। अब देखिए a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, बस लिख दीजिए 64 + 36 × 64 - 36 - 800, 36 और 64 क्या हो जाएगा, 100 × 14 - 6 = 8, 5 × 3 = 2, यानी कि 2800 में से 800 घटा देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12√3 मीटर² है तो उसकी ऊंचाई क्या आ गई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा² क्षेत्रफल कितना दिया है, 12√3 / √3/4 भुजा² √3 × √3 = 48, यानी ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 48, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 48, यानी कि 48 को तोड़ेंगे 4 × 4 × 4 × 16 यानी कि 4√3 मीटर। अब देखिए ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2a, √3/2a होता है, ए का मान कितना है, 4√3, यानी कि √3/2 × a 4√3, 2 × 4
3 × 3 = 6 यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दो दुकानदारों ने समान मूल्य पर एक समरूप वस्तु बेचा, एक का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ और दूसरे को विक्रय मूल्य पर 20% हानि होता है। यदि दोनों वस्तुओं का संयुक्त क्रय मूल्य 500 रुपया तो उनके बीच का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए दोनों विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, यानी कि 20% का लाभ का मतलब होता है 20/100 यानी कि 1/5। फिर 20% का मतलब होता है हानि का मतलब होता है 20/100 यानी कि 1/5। बात को समझिएगा, प्रश्न विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ अगर उसका कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस, अब देखिए पहला वाला में जिसमें प्रॉफिट होता है, अगर इसमें प्रॉफिट होता है इसमें लॉस होता है, बात को समझिएगा। यानी कि 5 रुपये का सामान है, आपको 1 रुपया का लाभ होता है तो 6 रुपया, यानी अगर इसमें देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा 4 रुपया होगा, यानी आपको लॉस पे लाभ होता है। तो यहाँ देखिए इस पर देखेंगे कॉस्ट प्राइस तो लॉस हो रहा है, यानी 5 रुपये का सामान पे 1 रुपया और लॉस हो रहा है, तो लॉस यहाँ कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस 6 इकाई हो जाएगा। यानी कि दोनों का अगर विक्रय मूल्य समान है तो कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या हो जाएगा 4:6, यानी कि दूसरे में 4:3। अब ये 5 रेशियो का वैल्यू 500 दिया है, 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, इन दोनों के बीच के रेशियो क्या है 1 है, यानी 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा।